तो व्हाट्सअप बडीज़, इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं देने को मार्वल और डीसी के हवाले से। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम लोग अपडेट की स्टार्ट एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ से कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन, जिसको आप लोग मोस्ट प्रोबली यहाँ पर हैरी पॉटर में जो रूबियस हैग्रिड का कैरेक्टर प्ले करते हैं, इन एक्टर की यहाँ पर डेथ हो गई है अब एज 72 में। यस, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। और जो हैरी पॉटर के फैंस हैं, मतलब हैरी पॉटर जिन्होंने मूवी देखी है, वो इन एक्टर से तो काफ़ी अच्छे खासे वाकिफ होंगे। तो यस, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर इस पर रेड करते हैं खुद हैरी पॉटर यानी कि डैनियल रेडक्लिफ एक्टर ने रेड करते हुए ये कहा कि रॉबी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फनीस्ट पीपल थे जिनसे यहाँ पर मैं अभी तक मिला हूँ, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हंसाते थे। और यहाँ से यहाँ पर इन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्टर और काफ़ी ज़्यादा लवली मैन थे। और यस, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है जो कि पूरे अराउंड द वर्ल्ड सबको शॉक कर रही है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट में अपने कहते हैं अफसोस का रियाज कर सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये ब्रैक एडम से निकल कर आ रही है। तो ब्रैक एडम का रिसेंटली न्यूयॉर्क में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था, आप लोग इसके वर्ल्ड प्रीमियर की तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर हमें हर एक्टर के करेक्टर के सूट देखने को मेरे यहाँ पर ब्लैक एडम, डॉक्टर फेट, इसके अलावा जितने भी करेक्टर्स हैं उनके सूट को देख सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर निकल कर आ रही है डॉक्टर फेट के, यहाँ पर जो एक्टर है पियर्स ब्रोसनैन यहाँ पर जो डॉक्टर फेट का करेक्टर पे करते हैं ब्लैक एडम है। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्फ्लुएंस बोला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और बेनेडिक्ट कंबरबैच ने मुझे इंस्पायर किया था उसके करेक्टर ने, यहाँ पर मैं डॉक्टर फेट का रोल प्ले कर सकूँ। ऐसे यहाँ पर इन्होंने बेनेडिक्ट कंबरबैच को डॉक्टर स्ट्रेंज को कहा कि मैं भी इसके कॉमिक्स पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते हैं, मैं पर्सनली बेनेडिक्ट कंबरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पर बहुत बड़े वाला फैन होता है। ऐसे उन्होंने यहाँ पर यही बोला कि उससे इंस्पायर होते हुए मैंने यहाँ पर डॉक्टर फेट का करेक्टर भी बिल्कुल उससे सिमिलर है, मैंने उसको यहाँ पर चूज़ किया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ड्वेन जॉनसन ये हमें इतना क्यों बार बार स्पॉयल ये वाली चीज़ करी जा रहे हैं कि वेलकम होम आफ्टर अ लॉन्ग ईयर। आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किस चीज़ को यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। ओबियसली वो यहाँ पर हेनरी कैविल का रिटर्न सुपरमैन की बात कर रहे हैं, मतलब आई डोंट नो कि खुद वो इतना ज़्यादा क्यों हमें टीस कर रहे हैं, स्पॉयल कर रहे हैं, मतलब उनको इतना ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहिए। अगर ये मार्वल होता वो तो कहते हैं ना भिनक भी ना रखने देता कि हमें सुपरमैन का रिटर्न देखने को मिला। आई डोंट नो कि ड्वेन जॉनसन इतना ज़्यादा क्यों स्पॉइल हमारे लिए कर रहे हैं, इतना टीस सा क्यों कर रहे हैं कि सुपरमैन का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये हैरिसन फोर्ड से निकल कर आ रही है। आप लोगों को मैंने काफ़ी दिनों पहले एक अपडेट दी थी कि हैरिसन फोर्ड को कंसीडर किया जाता है जनरल थंडर रोज का करेक्टर प्ले करने के लिए, क्योंकि जो इनके ओरिजिनल एक्टर हैं उनकी तो यहाँ पर डेथ हो गई है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरिसन फोर्ड को फाइनलाइज कर दिया गया है थंडर रोज का करेक्टर प्ले करने की, और ये एक्टर हमें देखने को मिलेंगे कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी में और थंडर बोर्ड्स की मूवी में। तो यस, यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो हैरिसन फोर्ड को कंफर्म कर दिया गया है थंडर रोज के करेक्टर के लिए। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मुझे एक अच्छी अपडेट लगी है। तो यहाँ पर नोवा एक करेक्टर है कॉमिक बुक में, अगर आप लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो मैं बता दूँ नोवा नामी एक करेक्टर है। तो मार्वल स्टूडियोज यहाँ पर नोवा की एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सेम एज जैसा कि हमने वेयरवुल्फ बाय नाइट की एक स्पेशल प्रेजेंटेशन देखी थी ना जो टेलीविजन फिल्म थी, सेम एज मार्वल नोवा करेक्टर के साथ करने जा रहा है। और ये मुझे चीज़ बिल्कुल अच्छी लग रही है यार, क्योंकि ना मैं यही चाहता हूँ कि इतनी बजाय हमें इतने 6-6, 7 नौ एपिसोड की सीरीज देखने को मिली है, उससे अच्छा मार्वल एक स्पेशल प्रेजेंटेशन में काम करे जो कि शॉर्ट भी हो और फैंस को और इंगेजिंग भी लगे, पसंद भी है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये डिज्नी प्लस की मार्वल की सीरीज से निकल कर आ रही है मार्वल ज़ॉम्बी से। तो यहाँ पर इसमें हमें टोटल 4 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे इस वाली सीरीज में मार्वल ज़ॉम्बी में। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है कि सिर्फ 4 एपिसोड, मगर लेट्स सी के क्या होता है। 4 एपिसोड्स अगर अच्छे हों तो मार्वल अगले सीजन में और एपिसोड्स भी निकाल सकता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये वेयरवुल्फ बाय नाइट का कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आया है, और इस कॉन्सेप्ट आर्ट में आप वेयरवुल्फ बाय नाइट को कलरफुल टोन में देख सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मुझे तो अच्छी अपडेट लग रही है। यहाँ पर एक्टर टॉम एलिस, जिसको आप लोग लूसीफर की वजह से जानते होंगे, सीरीज़ में करेक्टर पे करते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना इन लाइन नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनको कंसीडर किया जा रहा है टॉम एरिस को। तो पर्सनली यार, मतलब अगर मैं बात करूँ तो हाँ,
मुझे तो मतलब सही लग रहा है। अगर मैं टॉम एलिस को लीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर में देखूं तो काफ़ी मतलब सही सा बैलेंस लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग देखना चाहेंगे या नहीं। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये जमीरा जमील यानी कि जो टाइटेनिया के कैरेक्टर पर चलती है, इन्होंने यहाँ पर डियर डेविल, हल्क और एबोबिनेशन के जो एक्टर है इनकी यहाँ पर एक बिहाइंड द सीन वीडियो रिलीज किया, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल टेनिस हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर डेयर डेविल मैट मर्डॉक। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फन ये रहा होगा मैट मर्डॉक के लिए। अगले अपडेट के बारे में बात करें तो ये पर्सी जैक्सन सीरीज से निकल कर आ रही है, तो पर्सी जैक्सन सीरीज की कास्ट को और ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। तो सबसे पहले हमें इसमें रेटेड आर सुपरस्टार एज, अगर आप WWE देखते हैं आप लोग इन सुपरस्टार से अच्छे तरह से वाकिफ होंगे, ये हम इस वाली सीरीज में देखने को मिलेंगे और ये यहाँ पर करेक्टर प्ले करेंगे एरिस का। दूसरी कास्टिंग के बारे में बात करूँ तो ये जेसिका पार्कर कैनेडी, इन एक्ट्रेस को भी कास्ट कर लीजिए और ये यहाँ पर कैरेक्टर प्ले करेंगी मेड्यूसा का। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। मैं तो पर्सनली इतना कोई बड़े वाला इस टाइम फैन नहीं हूँ पर्सी जैक्सन का। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये द लिटल मैनमेड मूवी जो है इसके ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो कि हमें अगले साल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो कार्टून नेटवर्क से तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। यस, कार्टून नेटवर्क हम सब बचपन में देखते थे। तो यहाँ पर कार्टून नेटवर्क को कंबाइन कर दिया गया है वार्नर ब्रोज एनिमेशन के साथ। यस, वार्नर ब्रोज एनिमेशन, जिसकी भी आप लोगों ने काफी ज्यादा एनिमेटेड मूवीज देखी होंगी। तो यहाँ पर कार्टून नेटवर्क वार्नर ब्रदर्स के साथ मर्ज हो चुका है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि कार्टून नेटवर्क खत्म हो गया है, यहाँ पर कार्टून नेटवर्क जो डील हुई उसके मुताबिक कार्टून नेटवर्क जो है सेपरेट लेबर्स देंगे। जो कार्टून नेटवर्क की प्रोडक्शन है वो कार्टून नेटवर्क के लिहाज से ही होगी, मतलब कार्टून नेटवर्क का लेबल होगा, जो वार्नर ब्रदर्स की प्रोडक्शन है उसके ऊपर वार्नर ब्रदर्स का ही लेबल होगा। मगर यहाँ पर जो जितनी क्रिएटिव चीज़ है ना कार्टून नेटवर्क की, मतलब जितनी स्टोरी लाइन, जितने भी प्रोडक्शन टीम्स हैं, वो यहाँ पर होंगी वार्नर ब्रदर्स की, क्योंकि एक तरह से आप इसको कह सकते हैं वार्नर ब्रदर्स अब ओन करता है कार्टून नेटवर्क को। ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिली है, तो लेट्स सी इस पे भी क्या होता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये ब्लेंडन फ्रेसर से निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर आप इनको द मम्मी सीरीज की वजह से जानते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने टॉम क्रूज के मम्मी की बात की कि वो वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप की हुई थी, वो वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हॉरर मूवी थी। मम्मी मूवी में हमें फन भी देखने को मिलना चाहिए, जो कि उस वाली मूवी में मिस था। और जब इनसे अपने रिटर्न के बारे में पूछा गया कि क्या आप मम्मी के कैरेक्टर में रिटर्न करना चाहेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ होगा कैसे, मगर मैं ओपन हूँ, अगर कोई भी चीज़ ऐसी करेक्ट टाइम पे आती है और अगर कोई ऐसी अच्छी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए ज़रूर ओपन हूँ। और पर्सनली मैं ना ब्रेंडन फ्रेसर को ज़रूर देखना चाहूँगा किसी बड़े मेजर प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्टर हैं, मतलब मैं इनको ये कहूँगा कि एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज इनको नहीं किया जाता। यहाँ पर लास्ट अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हाउस ऑफ द ड्रैगन से निकल कर आ रही है, तो जो जॉलन मार्टिन ने यहाँ पर पैडी कॉन्सिडाइन के किंग वसीरस की यहाँ पर तारीफ करते हुए बोला कि जो मेरा किंग वसीरस है, यानी कि जिसको मैंने अपनी फाइल एंड ब्लड बुक में लिखा था, पैडी कॉन्सिडाइन ने जो किंग वसीरस प्ले किया है यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज वाला, ये मेरी बुक से 1000 दर्जे बेहतर है। जैसे इन्होंने ये बोला ये मेरे लिए आजमाइश की बात हो जाएगी कि मैं दोबारा से अपनी बुक्स में जाऊं और मैं अपने करेक्टर्स को जो है ना सब कुछ चेंज कर दूं, तो स्टोरी को नए सिरे से मैं लिखूं। तो यस, यहाँ पर इन्होंने पैडी कॉन्सिडाइन करेक्टर की तारीफ करते हुए बोला है कि इन एक्टर ने इस करेक्टर को जिस तरह से प्ले किया, जिस तरह से पोर्ट्रे किया, ये मेरे करेक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस ओवरऑल अपडेट्स में यही बताना था। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की फेवरेट अपडेट कौन सी है। वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक दिस कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।